तो गाइज नॉर्मल प्रिंट आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये नॉर्मल मीडिया है, इसके ऊपर ये प्रिंट निकल रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी क्वालिटी भी, आप देख सकते हैं कि कैसी क्वालिटी है। ऐसा नहीं कि नॉर्मल जो मीडिया होती है उसके ऊपर क्वालिटी नहीं बढ़ आती है, आप देख सकते हैं प्रिंट क्वालिटी कितनी बढ़िया आई है इसके ऊपर। और नॉर्मल मीडिया के ऊपर भी आप अगर प्रिंट बढ़िया देना चाहें तो थोड़ा सा आपको स्पीड स्लो रखनी पड़ेगी अपनी मशीन की, और क्वालिटी आप देख सकते हैं कि नॉर्मल मीडिया पर कितनी अच्छी क्वालिटी आती है। उसी हिसाब से जो है जो दूसरी मीडिया आती है, जैसे कि ब्लैक बैग होती है, स्टार मीडिया होती है या BL होती है, तो उस हिसाब से उसके ऊपर और अच्छी क्वालिटी आती है। तो वहाँ पे अब ये नॉर्मल वाली थी, अब आपको मैं दिखा देना चाहता हूँ कि जैसे कि मैं ब्लैक बैग के ऊपर प्रिंट करके दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देखिए ब्लैक बैग जो है प्रिंट हो रही है, ब्लैक बैग मीडिया है, ये नॉर्मल से अच्छी होती है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप क्वालिटी कितनी बढ़िया आई है, क्वालिटी कितनी बेस्ट क्वालिटी आई है। तो उस हिसाब से प्रिंट क्वालिटी जो होती है मीडिया के ऊपर डिपेंड करती है कि मीडिया कौन सी है, उस हिसाब से फ्लेक्स जो है प्रिंट होता है और इसके रेट भी उस हिसाब से होते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ साथ वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। और जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि इस तरह के वीडियो आगे भी देख सकें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी फाइन क्वालिटी है और कितनी बढ़िया तरीके से ये प्रिंट हो रहा है, ये ब्लैक बैक मीडिया है, कितनी बढ़िया तरीके से प्रिंट हुआ है। तो दोस्तों चलता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलता हूँ, कुछ नया लेकर आता हूँ, तब तक के लिए धन्यवाद, शब बखैर, ओके दोस्तों, बाय।